सी बी एस ई वालों के लिए एक अति महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है कि सी बी एस ई परीक्षा अब रद्द कर दी गई है दसवीं के बाद बारहवीं की परीक्षा भी रद्द, दसवीं के पहले हुई थी अब बारहवीं की परीक्षा भी रद्द हो गई है इस साल सी बी एस ई बारहवीं के एग्ज़ाम नहीं होंगे प्रधानमंत्री ने कहा छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है इसमें आगे बताया गया है कि सरकार ने इस साल सी बी एस ई बारहवीं की परीक्षा रद्द कर दी है इससे पहले दसवीं के एग्जाम भी, भी रद्द कर दिए गए थे मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक के बाद ये फैसला लिया गया मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते उन्होंने कहा कि बारहवीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा जैसा कि न्यूज़ में बताया गया है कि रद्द कर दी गई है परीक्षा सी बी एस ई की अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस प्रकार से आएगा वो हमें आगे जानकारी प्राप्त हो जाएगी बैठक में प्रधानमंत्री की पांच बड़ी बातें बताई गई हैं जो पहली है कि छात्रों के हित को ध्यान में रखकर ही बारहवीं की परीक्षा का फैसला लिया गया छात्रों की सुरक्षा और सेहत हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता आगे बताया जा रहा है कि परीक्षा को लेकर छात्र पेरेंट्स और टीचर सभी परेशान थे इस फिक्र को खत्म किया जाना जरूरी था ऐसे दबाव भरे माहौल में छात्रों की परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाना ठीक नहीं होगा परीक्षा से जुड़े सभी पक्षों को इस समय छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाना की जरूरत ये पांच कारण इन्होंने बताए गए हैं आगे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सामने सभी विकल्प रखे हैं इस बैठक में सी बी एस ई के चेयरमैन शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी निर्मला सीतारामन पीयूष गोयल धर्मेंद्र प्रधान राजनाथ सिंह जी और प्रकाश जावड़कर शामिल हुए इस बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई ये जो बैठक थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इसमें अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दी कि किस प्रकार हम परीक्षा का फैसला ले सकते हैं इसमें राज्य सरकार परीक्षा से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत के बाद तैयार की गई थी सभी से मिले फीडबैक के आधार पर एग्ज़ाम टालने का फैसला लिया गया सभी का निर्णय था कि एग्जाम को टाल दिया जाए इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने भी बारहवीं की परीक्षा रद्द करने की मांग की थी उन्होंने कहा था कि पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों का आकलन किया जाए जैसे पहले इन्होंने जिस तरह से एग्ज़ाम दिए जिस तरह से अंक आए हैं उसके आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाना चाहिए केजरीवाल जी ने कहा था कि पेरेंट्स परेशान हैं वे नहीं चाहते कि वैक्सीनेशन किए बिना परीक्षा हो एग्ज़ाम रद्द होने के बाद उन्होंने इसे छात्रों के हित में लिया गया फैसला बताया है वैक्सीनेशन का चल रहा है जो अठारह प्लस से है लेकिन जो बारहवीं के हैं वे अठारह प्लस नहीं है और उनके सभी को वैक्सीनेशन अभी लगी नहीं है और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अठारह से नीचे अभी वैक्सीनेशन चालू नहीं हुआ है इसी के साथ में आगे बता रहा है कि केंद्र ने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट से दो दिन का वक्त मांगा था सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही थी तो केंद्र ने दो दिन का वक्त मांगा था जिसके अनुसार आज उन्होंने फैसला ले लिया है सी और आई बोर्ड की परीक्षा पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी इसमें केंद्र ने कहा था कि वे गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना प्लान पेश करेंगे कि किस प्रकार परीक्षा लेना है नहीं लेना है जो भी उनका विचार होगा इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो भी निर्णय लेंगे उसके पीछे आपको मजबूत दलील देनी होगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप परीक्षा लेने का फैसला लेते हैं तो उसके पीछे एक वजह होनी चाहिए और अगर उसको मना करते हैं तो उसके पीछे भी एक ठोस वजह होना चाहिए आगे छात्रों को बहुत सी उम्मीद थी कि साल के पिछले साल की तरह ही परीक्षा नहीं होगी और नंबरिंग के लिए मेथड सिस्टम अपनाया जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने तैयार किए हैं तीन विकल्प आगे बताया जा रहा है कि परीक्षा कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार किया गया था इसे प्रधानमंत्री को भी दिखाया गया है परीक्षा लेने के लिए या उसका निर्णय लेने के लिए तीन विकल्प बताए गए थे जिसमें पहला था कि बारहवीं के मुख्य विषयों यानी मेजर सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिया जाए साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के केवल तीन मुख्य विषयों की ही परीक्षा लेने के बाद सब्जेक्ट्स के मुख्य विषयों पर मिले नंबर्स के आधार पर मार्किंग का फॉर्मूला बनाया जाए पहले पॉइंट में उन्होंने बताया है कि हर विषय में हर विषयों में जो मेन तीन सब्जेक्ट होते हैं उनकी परीक्षा ली जानी चाहिए थी जिससे कि बाकी सब्जेक्टों का भी रिजल्ट निकाला जा सके दूसरी बात ने बता रहे हैं कि तीस मिनट की परीक्षा हो और इनमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएं। इस परीक्षा के विषयों की संख्या भी सीमित करने की बात कही गई है पर इसके बारे में साफ कुछ नहीं बताया गया तीसरे प्रपोजल में बताया गया कि अगर देश में कोरो, कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं होती है तो नवी, दसवीं और ग्यारहवीं तीनों का इंटरनल असेंसमेंट किया जाए इसके बाद इसके आधार पर ही बारहवीं का रिजल्ट जारी किया जाए इस प्रपोजल को लेकर ही फार्मूला साफ नहीं हो पाया था इस तीन तरह के प्रपोजल उन्होंने बताए थे आगे बता रहे थे कि बारह राज्य चाहते थे कि तीन चार विषयों की परीक्षा हो और समय भी घटे देश भर में बारहवीं की परीक्षा को लेकर राज्यों ने अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेजे थे महाराष्ट्र झारखंड केरल मेघालय अरुणाचल तमिलनाडु और राजस्थान ने परीक्षा से पहले टीके का सुझाव दिया था महाराष्ट्र ने ऑनलाइन परीक्षा की बात कही थी यूपी जम्मू कश्मीर गुजरात असम हिमाचल चंडीगढ़ सिक्किम पंजाब आंध्र प्रदेश तेलंगाना चंडीगढ़ सिक्किम पंजाब आंध्र प्रदेश तेलंगाना बिहार और उड़ीसा चाहते थे कि सिर्फ मुख्य विषयों की परीक्षा हो और परीक्षा का समय भी कम कर दिया जाए एग्जाम बच्चों के अपने स्कूल में ही हो इन राज्यों ने कहा था अलग अलग अपनी दलीलें रखी गई थी छात्रों ने लिखी थी चीफ जस्टिस को चिट्ठी तीन हजार छात्रों ने परीक्षा को लेकर करीब एक हफ्ते पहले चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस एनवी रमना को चिट्ठी लिखी थी कहा उसमें कहा था कि कोरोना के बीच फिजिकल एग्ज़ाम कराने का सी का फैसला रद्द कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट असेसमेंट का विकल्प तरीका तय करने का निर्देश दे देश में कोविड नाइन्टीन के चलते कई स्टूडेंट्स ने अपने परिवार वालों को खोया है ऐसे में इस समय फिजिकल परीक्षा कराना ना सिर्फ लाखों छात्रों और टीचर्स की सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी ये परेशानी का सबब है तो कुछ छात्रों ने चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें ये सब बातें बताई गई थी इसी के साथ में यह निर्णय लिया गया है कि सीबीएसई की जो बारहवीं की परीक्षा है वो रद्द कर दी जाए उम्मीद है कि जल्दी ही इसका आगे का फैसला जो कि एमपी बोर्ड है इसका भी इसी तरह का फैसला आना चाहिए